नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए आज का दिन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। जी हाँ, फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया से पहले एकनाथ शिंदे की सांसें थमी हुई थी। न केवल एकनाथ शिंदे बल्कि देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और साथ ही एनसीपी चीफ शरद पवार की भी। जी हाँ, जिस तरह से फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया में सभी की सांसें इसलिए थमी हुई थी कि आखिरकार किसके पाले में जाएगा ये फ्लोर टेस्ट, जिन विधायकों को लेकर फ्लोर टेस्ट किया जा रहा है वो पास होते हैं या फिर। तो आपको बता दें कि इस फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया में एकनाथ शिंदे पास हो गए हैं। जी हाँ, इसके बाद एकनाथ शिंदे विधानसभा में भाषण देते हुए बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। भावुक होते हुए यहाँ पर एकनाथ शिंदे कहते हैं कि मैं गद्दार नहीं हूँ। जी हाँ, जिस तरह से एकनाथ शिंदे विधानसभा में भाषण देते हुए बेहद ही ज़्यादा भावुक हो गए। उन्होंने याद किया कि कैसे उनके बच्चों को सतारा में डूबने से उनके बच्चों के साथ जो हादसा हो गया था, वे सार्वजनिक जीवन से बाहर हो गए थे, लेकिन फिर उन्होंने शिवसेना के लिए काम करना शुरू किया, इस संगठन में काम किया। उन्होंने विधानसभा में ये भी कहा कि मैं गद्दार नहीं हूँ। जी हाँ, जिस तरह से लगातार एकनाथ शिंदे को बागी बताया जा रहा था, गद्दार बताया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने शिवसेना का दामन छोड़ दिया था, जिसके पीछे एकनाथ शिंदे की एक बहुत बड़ी वजह थी। यही इतनी बड़ी वजह थी कि न केवल एकनाथ शिंदे बल्कि उनके साथ शिवसेना के 38 विधायक और साथ ही निर्दलीय 8 विधायकों ने एक शिवसेना का साथ छोड़ दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये मलाल एकनाथ शिंदे के दिल में था कि लगातार उन्हें बागी बुलाया जा रहा है, धोखेबाज बुलाया जा रहा है। और आखिरकार आज विधानसभा में भाषण देते हुए एकनाथ शिंदे का ये दर्द छलक उठा। जिस तरह से भावुक होते हुए उन्होंने अपने परिवार को याद किया, परिवार को याद करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं गद्दार नहीं हूं। जिस तरह से आपने देखा कि ये राजनीति है, राजनीति में इस तरह के बड़े फैसले, कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, इसी तरीके का एक फैसला एकनाथ शिंदे ने लिया जो कहीं ना कहीं आज सही साबित होता भी नजर आ रहा है। आज महाराष्ट्र में एक नई सरकार है, एक नई पार्टी है और इस नई पार्टी के मुखिया हैं एकनाथ शिंदे। लगातार उन्हें विपक्षी दल के द्वारा कोसा जा रहा है, उन पर बयानबाजी की जा रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने सिर्फ वही किया जो उन्हें सही लगा। आपकी इस पर क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। नमस्कार।